डॉक्टर अमित सिंह, जिन्होंने नेट की परीक्षा क्वालिफाइड कर ली थी अपने अध्ययन कार्य जब कर रहे थे BHU में। उसके बाद JRF किया भाई साहब ने, फिर PhD किया और BHU को टॉप किया अपने क्लास में। डॉक्टर अमित सिंह, वेलकम, हाउ यू, कैसे हैं आप? थैंक यू। तारीफ सुन के और आपका खिला खिला चेहरा देख के और भी अच्छे कोरोना की क्राइसिस में। और मैं भी इस समय जो क्योंकि आप एसोसिएट पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, तो पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। जो अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति है इस समय चल रही है अमित जी, कोविड-19 के समय में, वो किस तरफ जा रही है, क्या देखते हैं? फर्क तो ये पड़ा कि जो विश्व की महाशक्ति अमेरिका है, तो अमेरिका और चाइना के बीच में जो एक द्वंद्व युद्ध, एक मल्ल युद्ध चल ही रहा है वॉर, आपके व्यापार के नाम पे, तो उसमें लगता है कि ये एक नया मुकाम आएगा कि कौन नंबर 1 लीड करेगा। और दूसरी बात जो आपने पूछी है कि यूरोप के जो देश है, उन्होंने जो समाजवादी रास्ते अख्तियार किए हुए हैं, जैसे किसी ने स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा काम किया है और किसी ने शिक्षा पे बहुत काम किया है, तो हो सकता है कि कोरोना के बाद पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सरकारें कैसा काम करती हैं, जनता की उनसे क्या मांग है, इस ओरिएंटेशन में थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ तो चेंज आएगा हर जगह। तो ये कहाँ तक न्याय संगत है? जैसे चाइना है, कोरोना वायरस वहाँ से उत्पन्न हुआ है और उस पर बैन लगा देंगे, क्या ये बैन उचित है? चाइना भारत के संदर्भ में तो कभी सकारात्मक रहा नहीं है, तो अगर भारत के हित से देखें अमित जी, तो क्या ये बेहतर हो रहा है? हमारे जो पड़ोसी मक्कार देश है। ये गंभीर प्रश्न है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम लोग अक्सर पढ़ाते हैं कि कोई भी आपका परमानेंट ना शत्रु होता है ना मित्र होता है। तो चाइना का विरोध अपनी जगह पे है और ये पब्लिक का इमोशन की जगह है और राजनीति की अपनी जगह है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चाइना जो हमारे उद्योग धंधे हैं और खासतौर पे जो स्टार्टअप हमारे उद्योग हैं, वो स्टार्टअप जो 1 अरब से ज्यादा की संपत्ति वाले हैं, जिसमें फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हैं, उसमें 18 में चाइना का पैसा लगा हुआ है। तो ये संभव नहीं है जो हम अक्सर बात करते हैं कि चाइना का विरोध करें। और 11 अरब डॉलर चाइना हमारे बिजनेस के प्रोत्साहन के लिए वो हेल्प करता है। तो अक्सर जो हम डॉलर वो भी है तो अक्सर जो हम ये चर्चा बहुत ज्यादा, तो अक्सर जब हम ये सब छोटी मोटी चर्चाएं करते हैं अमित जी, जैसे चाइना का विरोध करते, छोटे मोटे स्तर पे शहरों में, ग्रामीण स्तर पे लोग बहुत आग बगुला हो जाते हैं चाइना का बॉयकॉट करो, लेकिन अगर गहरे में जाए तो उसकी जड़ें इतनी गहरी जमी हुई है कि वो इतनी आसानी से नहीं निकलेंगी। कि दूसरी तरफ एक प्रश्न है कि 150 से 200 विदेशी कंपनियां, चाहे कोरिया की हो, वो सब वहां से उठ के इंडिया में आना चाहती हैं, इसको आप किस ढंग से देखेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। भारत का इमेज विश्व में बहुत अच्छा हुआ है और हम तैयार हैं उन लोगों का स्वागत करने, लेकिन उनके आने की एक हमारे साथ बुनियादी दिक्कत है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। और चाइना ने क्या किया 1960 से कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जो मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने हब बनाया, उस हिसाब से उन्होंने पहले तैयारी की। भारत की राजनीतिक समस्याएं इस वक्त किस तरफ जा रही हैं इंडियन पॉलिटिक्स में इस समय? हाँ, इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस साहसिक तरीके से ये निर्णय लिया था लॉकडाउन का, आप याद कीजिए कि विश्व के और किसी देश ने इतना बड़ा साहसिक निर्णय लिया। दूसरी बात ये भी कमाल की चीज थी कि जनता ने जिस तरीके से उनको बैकअप दिया और इतना बढ़िया सपोर्ट जनता का हमने कभी नहीं देखा था। लेकिन थोड़ा सा जो मजदूरों की स्थिति रही और थोड़ा सा ये जो टक्कर रहा, इसमें हम और अच्छा कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता। तो ये हमारी राजनीति तो चलो एक अलग विषय है, लेकिन एक मानवता के नाते बहुत बड़ी मदद होती मजदूरों के लिए पलायन, और इसको या हम उनको रोक पाते, वो कर सकते थे, रोक सकते थे, तो शायद कोविड-19 इतनी तेजी से नहीं बढ़ता। तो अभी जो लॉकडाउन अनलॉक किया है, ये सही कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, अभी जो चल रहा है इस समय नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। डिसीजन इसलिए बढ़िया है क्योंकि कोरोना का एक तो संकट है ही, लेकिन अगर आर्थिक संकट बढ़ती चली जाए, और याद रखिए अजय जी, देश का जो संगठित जो क्षेत्र है वो करीब 70% है, तो कैसे काम कर पाता, वो बहुत जरूरी था और समय पे किया गया निर्णय। जी, बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय लिया माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र, बहुत अच्छा डिसीजन, बहुत अच्छा। ये जो पॉलिटिक्स है, आप पॉलिटिक्स में हैं, और इंडिया में जो पॉलिटिक्स को लेके है एक नकारात्मक छवि है, लोग बहुत डरते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर जाने से, अपने बच्चों को भेजने से। ये कैसे टूटेगा तिलिस्म, क्योंकि जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तो पॉलिटिक्स की जो अवस्था है वो सुधरेगी नहीं। देखिए, महात्मा गांधी के बाद से आप देखेंगे कि महात्मा गांधी सक्रिय रूप से सहयोगी रहे भारत की आज़ादी के आंदोलन में, लेकिन फिर उन्होंने सत्ता से अपनी दूरी कर ली और कमोवेश ऐसा ही जयप्रकाश नारायण जी के साथ 1975 में हुआ। तो इंडियन एक माइंड सेट है कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सत्ता जो है आपको करप्ट करती है, जबकि ऐसा है। तो एक बहुत बड़ा कारण, और ये बहुत आदिकाल से ये समय है कि जब हम रामायण में गाते थे कि भाई कोहू नृप हमें क्या हानि, तो एक हमारे ये जो माइंड सेट है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पार्ट बन गया है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। तो अमित जी, अब हम चलते हैं क्योंकि आप बहुत यंग, स्मार्ट, डायनेमिक हैं। आपका विवाह में आप जरूर बंध चुके होंगे, तो आप अपनी धर्मपत्नी के बारे में कुछ बताएंगे, मिसेज अमित जी के बारे में, जो ऐसे महान व्यक्तित्व संभाले हुए घर में इस खजाने को। महान नहीं, मैं आपका मित्र हूँ, और जो शिव का एक सूत्र है कि बने हैं तो आधा हिस्सा तो नारी का होता है, मेरा आधा नहीं, आधा से कुछ ज्यादा हिस्सा नारी का है। वो बहुत अच्छा एक माहौल में देती है और क्रिएटिव हो पाता हूँ। मुझे मतलब घर के कामों में उलझना नहीं पड़ता है, बच्चों की चिंता नहीं करनी पड़ती और मैं फोकस हो पाता हूँ। अब हम रैपिड फायर राउंड की तरफ चलते हैं। मुझे सीधे सीधे दो हाथ। बिल्कुल बिल्कुल। और आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है भाई, आपके साथ तो हमेशा ही तैयार है। okay. आर्ग्यूमेंट में आप जीतते हैं अक्सर, या आपकी मिसेज? क्या इसमें तो कोई शक ही नहीं, अक्सर वो जीतती हैं। वो दिल से आर्ग्यूमेंट करती हैं और मैं दिमाग से करता हूँ, दिल अक्सर जीतता है। शादी के 2 लाभ और 2 हानियां बता सकते हैं? जो नहीं करना चाहते उनका भला होगा, जो करना चाहते उनका भी। विपक्ष दोनों चाहते हैं। 10 सेकेंड। शादी का सबसे बड़ा लाभ है कि आपकी पत्नी आपका चेहरा दिखाती रहती है अक्सर, और आपको बहुत बड़ा लाभ है इससे। और शादी का सबसे बड़ा हानि ये है कि शादी के बाद जो आप अपने आप को पहले माना करते थे वो गलतफहमी टूट जाती है। तो यह हानि भी है शादी की। वाइफ को आप बहुत प्यार करते हैं, प्रणा जी। आप बहुत खुश नसीब हैं, इतने खूबसूरत पति मिले हैं आपको। उनके लिए कोई 2-3 लाइनें गाने में गा के आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इजहारे इश्क जवां है आज भी दिल में मेरे तेरे लिए अपना। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप घना साया। तुमको देख के यही ख्याल आता है, जिंदगी धूप थी लेकिन तुम घना साया घना। एक अच्छा पति बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए? सुनने की आदत होनी चाहिए, जब डांट पड़े तो चुपचाप सुनने। तो अगर आप ये काम कर लेते तो आप और ऐसे ही मुस्कुराना पड़ेगा। बस सुन लीजिए, बस उस वक्त रिएक्ट मत कीजिए तो सुखी रहेंगे आप। क्या बात, रिएक्ट किए तो फिर तो भाई मौत बुला ली अपनी हाथों में। चुपचाप मुस्कुरा दीजिए, जैसे आप मुस्कुरा रहे हो तो वैसे तो लड़ाई हो जाएगी, धीमे से अंदर से मुस्कुरा ले। मुस्कुरा, ज्यादा भी नहीं मुस्कुराना। अच्छा, जैसे बाल आप नहीं रखते हैं तो इनका कोई सीक्रेट है, मतलब हेयरलेस रहने का? इसके कोई मतलब गंजे रहने का कुछ लाभ हो, कुछ 2 लाभ बता सकते हैं? कुछ गंजे रहने के बड़े फायदे हैं। जैसे हर कोई अपने फैशन से ध्यान आकर्षित करना चाहता है, लेकिन गंजों को आदमी दूर से पहचान लेता है। अरे वो गंजा, अच्छा वो वाला गंजा है। दूसरी बात है कि आपको देख के आप पे भी लोग नहीं फिसलते हैं, और आप पे नहीं फिसलते तो आप पे नहीं फिसलते, तो बड़ी सुरक्षा सी बनी रहती है दिल के रास्ते पे, दिल के आईने पर। टॉप किया आपने रैपिड फायर राउंड में। आपको पूरे एक बेहतरीन गिफ्ट प्राइज आपके घर पहुंचेगा। आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके राजनीतिक जो शास्त्र आप पढ़ाते हैं विद्यार्थियों के लिए, उन सबके लिए उज्जवल कामना के साथ मैं अजय शर्मा आपके लिए प्रार्थना करता है ईश्वर से कि आपका जो ध्यान साधना है वो बढ़े, आपका नाम यश कीर्ति दिन दुनी रात चौगनी बढ़े दुनिया में, और आप ऐसे ही खिलखिलाते रहें, ऐसे ही मस्त रहें, ऐसे ही गुनगुनाते रहें।